महाबलेश्वर घूमने के लिए तो बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, लेकिन तापोला मिस कर देते हैं। तापोला जो मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है, और तापोला फेमस है अपने क्लेम एनवायरनमेंट के लिए, यहाँ की बोटिंग, कायाकिंग और यहाँ का लोकल टेस्टी फूड, अपने शहर से कहीं दूर नेचर के बीच में अपने फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ, तापोला आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और तापोला महाबलेश्वर से ओनली 29 किलोमीटर के दूरी पर है। मुंबई से 7 से 8 घंटे की थका देने वाली ड्राइविंग करने के बाद मैं पहुंच चुका था तापोला के अपने रिजॉर्ट शिवसागर एग्रो टूरिज्म में। और जैसे मैं रिजॉर्ट के अंदर आया, यहाँ के नेचर की ब्यूटी देखने के बाद मेरी थकान जा चुकी थी और मेरे लिए लंच भी रेडी था। सबसे पहले मैं आपको शिवसागर रिजॉर्ट का टूर कराने वाला हूँ, उसके बाद यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस, होटल रूम के रेट्स, यहाँ की एक्टिविटी, ऐसी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। और मैंने जो लंच किया वो मेरे पैकेज में ही इंक्लूड था। शिवसागर रिजॉर्ट कोयना बैक वाटर के बिल्कुल पास में ही लोकेटेड है, और बाकी सारे रूम्स की बुकिंग फुल हो चुकी थी, तो मुझे ये बड़ा वाला रूम मिल गया जिसमें 2 बिग साइज बेड है, सामान रखने के लिए कबर्ड है। और आप रूम में रेस्ट करने के बाद जैसे डोर ओपन करके बाहर आओगे, आपको कोयना बैक वाटर का बहुत ही मेसमराइजिंग सीनिक व्यू नजर आता है। अगर आपको यहाँ पर एसी चाहिए तो एयर कंडीशनिंग का भी ऑप्शन होता है, लेकिन तापोला के इस कूल एनवायरनमेंट में एसी की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप अपने फैमिली या फिर फ्रेंड के साथ यहाँ पर आते हो और आपके ग्रुप में 15 से 16 जने, तो यहाँ पर डोरमेट्री का भी ऑप्शन बना हुआ है। इस डोरमेट्री में आराम से 15 से 16 जन रुक सकते हैं, और डोरमेट्री का कॉस्ट थोड़ा सा कम भी होता है। बारिश रुक जाने के बाद हम सभी निकल पड़े बोटिंग एरिया की ओर। शिवसागर रिसोर्ट की तरफ से आने वाले टूरिस्ट के लिए बोटिंग सर्विस भी प्रोवाइड करी जाती है। आउटडोर एक्टिविटी में आप स्पीड बोर्ड, पावर बोर्ड, कायाकिंग और पैडल बोर्ड, इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। पावर बोर्ड और स्पीड बोर्ड, इस तरह के बोर्ड का आपको अलग से चार्जेस देना होता है, जो कि काफ़ी रिजनेबल होता है। लेकिन कायाकिंग और पैडल बोर्ड आपके पैकेज में ही इंक्लूड होता है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। कोयना बैकवाटर में बोटिंग करते हुए और कायाकिंग करते हुए सनसेट भी एंजॉय कर सकते हैं। और सनसेट एंजॉय करने के बाद हम आ चुके हैं अपने रिजॉर्ट के अंदर, और रिजॉर्ट में इवनिंग को कैरम, बैडमिंटन, बॉनफायर, इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं, और छोटे बच्चों के लिए प्ले एरिया भी बना हुआ है। एक्टिविटीज करने के बाद आप चिकन बारबेक्यू भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन है तो पनीर बारबेक्यू का भी ऑप्शन होता है, और ये भी आपके पैकेज में इंक्लूड होता है। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। और जितना ब्यूटीफुल यहाँ का नेचर है, उतना ही ब्यूटीफुल ये रिजॉर्ट रात को नजर आता है। थोड़ा टाइम अपने रूम में रेस्ट करने के बाद वक्त हो चुका था डिनर का। लंच हो या डिनर, आपको वेज और नॉन वेज दोनों भी ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप कुछ अलग ट्राई करना चाहते तो आप अलग से ऑर्डर भी कर सकते हैं। मॉर्निंग में मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट में मिसल पाव और पोहा लिया था, और यहाँ के डाइनिंग एरिया से भी कोयना बैकवाटर का बहुत ही ब्यूटीफुल सीनिक व्यू नजर आता है। अगर आप फैमिली या फिर ग्रुप में आते हो तो ये वाली बोट हायर करके कोयना बैकवाटर की ब्यूटी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और इसके रेट काफी रिजनेबल होते हैं।
और आपके सेफ्टी के लिए लाइफ जैकेट भी दिया जाता है। कोयना बैकवाटर को शिवसागर जलाशय भी कहते हैं और यहाँ का एनवायरनमेंट इतना कूल है कि आसमान में जो सन है उसकी रिफ्लेक्शन क्लियरली पानी में नजर आ रही थी। अगर आप कपल्स हैं तो रिजॉर्ट के अंदर कपल्स के लिए दो स्पेशल रूम बने हुए हैं। अगर आपकी फैमिली थोड़ी सी बड़ी है, आपको बिग साइज रूम चाहिए तो फैमिली के लिए भी बिग साइज दो रूम बने हुए हैं। और शिवसागर रिजॉर्ट काफी रीजनेबल प्राइस में आने वाले टूरिस्ट के लिए पैकेजेस प्रोवाइड कराता है। अभी हम पावर बोट लेकर कोयना बैकवाटर के सभी टूरिस्ट प्लेसेस देखने वाले। यहाँ पर आपको टूरिस्ट पॉइंट विजिट करने के लिए बोट से जाना होता है क्योंकि सभी टूरिस्ट पॉइंट कोयना बैकवाटर में ही लोकेटेड है और शिवसागर रिजॉर्ट के तरफ से रीजनेबल प्राइस में बोट सर्विस भी प्रोवाइड करी जाती है। अभी हम दो नदियों के संगम पॉइंट पर है। इस बाजू से कोयना नदी आती है और इस तरफ से सोलशी नदी आती है और मेरे पीछे जो आपको व्यू नजर आ रहा है ये तापुड़ा विलेज है। और अभी हम जो तीसरी रिवर है कांदाटी उसके पास जाने वाले, वहां पर त्रिवेणी संगम है। अभी हम आ चुके हैं आइलैंड पर। कोयना के इस बैकवाटर में छोटे छोटे आइलैंड बने हुए हैं लेकिन करंटली मॉनसून का सीजन होने के कारण आइलैंड तो पानी के नीचे था लेकिन एक ये छोटा सा ट्री नजर आ रहा था। अगर आपको ये आइलैंड देखना है तो नवंबर और दिसंबर में आइलैंड विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है। अभी हम जिस जगह पर है यहाँ पर कोयना, सोलशी, कांदाटी इन तीन नदियों का संगम स्थान है, इसीलिए इस जगह को त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। त्रिवेणी संगम देखने के बाद हम निकल पड़े दत्त मंदिर की ओर। दत्त मंदिर तापोड़ा का सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो एक छोटे से टापू पर बना हुआ है और यहाँ पर ब्रह्मेश्वर महादेव जी का मंदिर भी बना हुआ है और मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए आपको गुफा के अंदर से जाना होता है। जिस जगह पर शिवलिंग है ठीक उसी के ऊपर गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है और दत्त मंदिर में दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े रिजॉर्ट की ओर। सीजन वाइज रेट्स अप डाउन होते रहते हैं इसलिए मैंने आपको रेट्स बताए नहीं है। डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स है, आप कॉल करके मैसेज करके जो भी करंट रेट चल रहा होगा आपको पता चल जाएगा। और आपका हॉलीडे पीसफुल नेचर में आप ज़रूर एक बार शिवसागर एग्रो टूरिज्म यहाँ पर विजिट दें।